नमस्कार दोस्तों, मैं सनन मोटर से आपका स्वागत करता हूं आज फिर और एक नए प्रोजेक्ट के साथ में। ये जो आज हमारे साथ में आया हुआ है BS6 गोल्ड टाटा एस, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वन बाय वन चेक करते हैं अपन। कस्टमर का कंसल्टेंट ये है कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, और एक्चुअली क्या है कि मैं आपको इस चीज़ का क्लियर कर दूँ कि ये गाड़ी शोरूम पर भी जा चुकी है। शोरूम वालों ने कह दिया था कि इसका यूरिया टैंक अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब 25-30-35 हज़ार का खर्चा बता दिया था। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आओ। तो दोस्तों अभी अपन इसका मीटर और गाड़ी स्टार्ट करके चेक कर दें, आ जाओ इधर। तो देख सकते हो ये इसमें अपने मीटर क्लस्टर पे यूरिया के सिंबल आ रहे हैं, चेक लैंप भी आ रहा है, सेल्फ लगा के देखते हैं। ठीक है, अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आ जाओ इधर। अपन इसको अब स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद में मालूम पड़ेगा अपने को इसके अंदर कौन से DTC आ रहे हैं। दोस्तों अब हमारे जो ये टाटा का सॉफ्टवेयर है उससे डायग्नोस करके देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हो दोस्तों जो इसके अंदर फॉल्ट कोड आ रहे हैं P206A, ठीक है, P21AB, P207F। तो वन बाय वन चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेवल सेंसर का बता रहा है एक, तो ये इसके अंदर देख सकते हो आप ये रेडियस्ट लेवल सेंसर है B। तो दोस्तों देख सकते हैं जो ये हमारे फॉल्ट कोड आए हैं इसके ऊपर अपन वर्क करते हैं, और ये है इसका यूरिया टैंक। तो चेक करते हैं इसमें सबसे पहले तो इसका कपलर, यूरिया लेवल सेंसर का कपलर, उसकी वायरिंग, और ये जो अपने कपलर है सारे, और इन कपलरों को चेक करना है अपने को, इसकी वायरिंग चेक करना है अपने को। ये इधर डोजर का कपलर लगा हुआ है, और इधर ये सेंसर का कपलर लगा हुआ है लेवल सेंसर का वो उस तरफ, और सारे कपलर इसके सब व्यवस्थित है, कोई उनमें कमी पेशी नहीं है, कोई वायर डैमेज नहीं है, सारी चीज़ें ओके है। हमने मल्टीमीटर से भी उसको चेक कर लिया है और कोई उसके अंदर गड़बड़ी नहीं है। तो वन बाय वन चेक करते हैं अपने हिसाब से, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भी होगा आपके साथ में शेयर करेंगे। ओके, तो दोस्तों अभी अब हम चेक करते हैं वापस से इसको, क्योंकि अपनों ने वायरिंग वगैरह भी चेक कर ली है, इसका जो कपलर वगैरह था लेवल सेंसर का और डोजर का वो सारी चीज़ें ओके हैं। तो चेक करते हैं इसको क्लियर करके। तो देख सकते हो दोस्तों ये क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब ये इसमें हो क्या रहा है, उटपटांग कोड आ रहे हैं। पहले इसके अंदर जो कोड आ रहा था वो कोड अलग था, अभी कोड अलग है। तो देखते हैं इसका टैंक उतार के और चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो दोस्तों अपना ये टैंक नीचे उतर चुका है, अब इसके बाद में इसको वन बाय वन सिस्टमेटिक सारी चीज़ें खोलते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर ये अपना डोजर है, ये डोजर के 3 स्क्रू होते हैं, 45 बोल्ट के अंदर होते हैं ये, और इनको खोलते हैं। फिर उसके बाद में इसको वॉश करते हैं, क्योंकि सबसे मेन रीज़न होता है इसको वॉश करना, क्योंकि अंदर का जो फिल्टर होता है वो कई बार चोक हो जाता है, और उसी के कारण वो लेवल सेंसर वर्क नहीं कर पाता है। तो अपन इस पूरे टैंक को अपने वाटर से जो भी है सर्विस वगैरह कर कुरा के इसको वापस से कंप्लीट करके लगाएंगे, और फिर उसके बाद में इसको रीजनरेशन करेंगे यूरिया डाल के। तो ठीक है, ओके, ये है इसका खोलने का, जहाँ से यूरिया निकलता नहीं, ये ला दो। देखिए
तो यूरिया टैंक को क्लियर करने के बाद में हम इसको फिट कर रहे हैं। और एक चीज़ और, यूरिया टैंक को वाटर से क्लियर करने के बाद में आप वैक्यूम जरूर करें, उसके अंदर पूरे में वैक्यूम जनरेट करें, वैक्यूम लगाएं, तो ही जाके ये प्रॉपर वर्क करेगा। अगर हवा नहीं लगाओगे, पानी का सोर्स अगर हल्का सा भी रहा तो फिल्टर को फिर चोक कर देगा। तो लैपटॉप की स्क्रीन पर आप देख रहे हो, हम इसको वापस से डायग्नोस कर रहे हैं और हमारा यूरिया टैंक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो एड ब्लू होता है, जो एड ब्लू लिक्विड से अपन यूरिया बोलते हैं, उसको हमने फिलअप कर दिया है। हमारा यूरिया टैंक पूरी तरह से ओके हो गया है और अभी इसको डायग्नोस करके हम चेक कर रहे हैं इसकी स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हो इसमें लेबल कंप्लीट आ गया है, जो पहले लेबल नहीं आ रहा था वो लेबल आ गया है। और अभी देख सकते हैं आप, इसके अंदर कोई भी DDC नहीं है, अब क्लियर कर दी है। देख सकते हो दोस्तों, ये जो डिस्प्ले पे अपने सिंबल, ये यूरिया का सिंबल है और इसको अपने को रीजनरेशन से क्लियर करना है। प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुका है, देखो आप साउंड सुन सकते हो। तो दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में अपनी अगली प्रोसेस होती है इसको रीजनरेशन करना। रीजनरेशन के लिए हमको गाड़ी को और इस लैपटॉप को समय देना पड़ता है 20 से 25 मिनट का। 20 से 25 मिनट तक इस लैपटॉप को इसी के साथ में, गाड़ी के साथ में अटैच करना रहता है और ये फिर गाड़ी स्टार्ट होते से ही इसमें रीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने इसको शॉर्ट में बना के कंप्लीट रीजनरेशन कर लिया है। देख सकते हो, आपने अभी डिस्प्ले पे देखा होगा, उसकी लाइट भी ऑफ हो चुकी है। एक बार और हम डिस्प्ले पे बता देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, अब हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम ट्रायल पे हैं और लेते हैं इसकी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव। ओके, तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से हमारे यूरिया टैंक के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसको हमने कैसे उसको सॉर्ट आउट करा है। हमारा माध्यम सिर्फ यही रहता है कि आगे से आगे इसकी जानकारी प्रॉपर तरीके से हर व्यक्ति के पास में पहुंचे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। वो लाइक जो रहता है वो हमारे मतलब मोटिवेशन को बढ़ाता है। और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, अगली ऐसी ही प्रोफेशनल वीडियो देखने के लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।